पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पाक विस्थापितों की व्यथा अब असहनीय हो चुकी है। गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने सरकार से पूछा कि जिला बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में विगत 5 वर्षों में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितने लंबित है। रविंदर सिंह भाटी, जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदनों में से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितने लंबित है। वहीं इस बात पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में इन जिलों से कुल 373 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 84 का निस्तारण हुआ। 289 आवेदन अभी भी लंबित है। इसमें बाड़मेर से 72 में केवल 28 आवेदन, जैसलमेर से 294 से 56 आवेदन निस्तारित हुए और बालोतरा से प्राप्त 7 आवेदनों में से भी एक निस्तारण नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, पूरे प्रश्न पूछे, जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्न अनुसार है। नंबर 1, बाड़मेर, जिला बाड़मेर विगत 5 वर्षों में कुल प्राप्त आवेदन 72, निस्तारित इनमें से हुए 28 और लंबित है 44। दूसरा है जैसलमेर, जिसके अंदर 294 कुल आवेदन थे प्राप्त हुए, 56 निस्तारित हुए और 238 लंबित हैं। और तीसरा है बालोतरा जिला, 7 आवेदन प्राप्त हुए और निस्तारित कोई भी नहीं हुए और 7 लंबित है। कुल आपके जो प्रश्न जो पूछा तीनों जिलों का एक समान, उसके अंदर 373 आवेदन प्राप्त हुए, निस्तारित हुए 84 और लंबित है 292। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सवाल उठाया कि सरकार इन लंबित आवेदनों को कब तक निस्तारित करेगी और नागरिकता प्रदान करेगी। जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार निकट भविष्य में जिला स्तर पर विशेष नागरिकता कैंप आयोजित कर पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। वहीं भाटी ने यह भी कहा कि पाक विस्थापित नियमों और प्रक्रियाओं से अपरिचित होने के कारण आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं कर पाते, जिससे नागरिकता आवेदन पत्रों का निस्तारण में विलम्ब होता है। उन्होंने विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र और नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया ताकि आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण हो सके, जिस पर मंत्री खींवसर ने बताया कि नए कानून के तहत कलेक्टर को इसका इंचार्ज बनाया गया और हर महीने जिला स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में कुल 1566 लंबित आवेदन है, जिनमें से 300 आवेदन आईबी की रिपोर्ट के कारण लंबित है। 2016 से 2024 तक कुल 2329 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। क्या यह सही है कि पाक विस्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होने के कारण आवश्यक कमी पूर्ति समय पर नहीं कर पाते तथा नागरिकता आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलंब हो रहा है? यदि हाँ, तो विभाग जिला स्तर पर इस हेतु विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र, नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारण का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, और नहीं तो कारण सदन मेज पर रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहाँ पर सूचना फिगर्स भी हैं कि जो ये पूरे राजस्थान का, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 2465, उसमें से सर्टिफिकेट्स इशूड आपके 350। आपके जो 2016 से 24 जो है सिटीजनशिप ग्रांटेड, अभी तक 2016 से 24 तक पूरे राजस्थान में 2329 हुई है। राजस्थान की जो पूरी पेंडेंसी है, टोटल पेंडिंग 1566 और उसमें से 300 जो हैं आईबी की रिपोर्ट के प्रति पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके मैं ये बताना चाहूँगा, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है नए एक्ट के तहत कि वही जो है इसके इंचार्ज रहेंगे, और गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है और बोला कि इसके अंदर इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हर महीने कैंप्स रखे जाएंगे
और जो जो प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा कि 6B के तहत क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत कम चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन 5 और 6 हैं उसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको बता दूंगा। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज जिसको गिना गया है उसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैनी, ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे 6 अपन ने कैटेगरीज दिए जिनको हम माइनॉरिटीज मानते हैं, और वो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उनका वीजा वैलिड होना चाहिए, और हम बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे इनको प्रोसेस कर रहे हैं, जल्दी करना चाहिए। श्री गणेश ओगरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। हो गया, उन्होंने उत्तर दे दिया, कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर के पास में पहले से खूब सारी पेंडेंसी रहती है, एक विशेष नोडल अधिकारी या जिला स्तर पर कुछ रखने का प्रावधान रखते हैं। राज्य सरकार ने विस्थापितों को आवास देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए अधिक राशि दी जाती है। भाटी ने सरकार से मांग की कि पात्र लोगों को जल्द ही सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पाक विस्थापित भूमिहीन हैं और भूमि आवंटन में भी तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज पाक विस्थापितों का मामला सदन में रहा। पाक विस्थापित जो वो एक पराया देश छोड़ के अपने देश में आए और आज अपने देश के अंदर ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। वो लोग जिनको अभी तक पिछले 10 सालों में नागरिकता नहीं मिल पाई, विशेषकर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूंगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाक विस्थापित लोग हैं। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों से लेकर आधे परिवार यहाँ रहते हैं। वो इस उम्मीद में अपने देश में आए थे कि साहब हमें नागरिकता मिलेगी। यहाँ पर हमारे अपने लोगों के बीच हम रहेंगे, पर ये हम सभी के लिए दुख का विषय है कि अभी तक उनमें से किसी को भी नागरिकता मिल नहीं पाई है। अभी तक बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में पिछले 5 सालों में जितने आवेदक थे उनके 22% लोगों को ही नागरिकता मिल पाई। ये वाकई एक गंभीर विषय है, हम सभी को इस पे सोचना चाहिए। मैंने आज पूरक प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि आप ऐसा कोई नोडल अधिकारी या ऐसी कोई विशेष ब्रांच उन तमाम पाक विस्थापितों के लिए रखने का विचार रखते हैं, क्योंकि अमूमन जितने भी लोग जो विस्थापित होकर आ रहे हैं वो लोग यहाँ की भाषा में और यहाँ की स्थितियों के बारे में इतने समझते नहीं है, जिनके कारण उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि पाक विस्थापितों को जो तमाम लोग जो आवेदक हैं जिनको नीड है उनको नागरिकता मिलनी चाहिए।